यूपी समेत पूरे देश में कोरोना संक्रमण बेहद तेजी से फैल रहा है। इस कारण ना अधिकारी बच रहे हैं और ना ही नेतागण। अब कोरोना संक्रमितों की लिस्ट में यूपी के उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा का नाम जुड़ गया है। यूपी के उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने ट्वीट के माध्यम से अपने और अपने पत्नी के कोरोना संक्रमित हो जाने की खबर दी है। इसके साथ ये बताया कि वे अभी होम आइसोलेशन में है। दिनेश शर्मा अपने ट्वीट में लिखा है कि आज मेरा व मेरी पत्नी की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हम अपने आप को होम आइसोलेशन में करके चिकित्सकों के परामर्श का पूर्णतः पालन कर रहे हैं। मेरा आग्रह है कि पिछले कुछ दिनों में जो लोग मेरे संपर्क में आए हैं वो भी जांच करा लें। और यूपी में बीते 24 घंटों में कोरोना के 30,000 से भी अधिक मामले सामने आए हैं, जबकि कोरोना के चलते बीते 24 घंटे में 187 मरीजों की मौत हो गई है। सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आए हैं, जहां करीब 6,000 नए मामले सामने आए हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।